एक दूल्हा मुझे नजर आया है जिसके हाथ में जो है वो शनाख्ती कार्ड है। बारात छोड़ के आए? नहीं, बारात जानी है अभी, तो बराती है सारे गए हैं वोट डालने। मैंने उनको सबको पहले कहा जाके वोट डालें, पीटीआई का वोट है हमारा। मेरी वोट की वजह से आगे दो शादियां रुकी हुई हैं, वापस आई हैं बारात। लड़की एक ही थी कि लड़कियां भी दो? नहीं, लहदा लहदा, एक नून लीग की थी और एक बिलावल भुट्टो खुसरे की थी। शादी उसी से करनी है जो पीटीआई को वोट? पीटीआई को वोट दे, और जो अब है उसको भी, वो भी वोट डालने गई है दुल्हन मेरी। इनके लिए क्या कहेंगे, दूल्हा बन के अपनी शादी बारात छोड़ के ये यहाँ पे वोट कास्ट करने आए? इनको सलूट है जी, इनको सलूट है। अच्छा, आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, नहीं अभी मैं डालने जा रही हूँ। अच्छा, किसको दे? इमरान खान। इमरान खान, इन्होंने अपने हाथ पे लिखा भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि आखिरकार इलेक्शंस के दिन आ ही गया है, लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं क्योंकि वोट जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में एक दूल्हा मुझे नज़र आया है जिसके हाथ में जो है वो शनाख्ती कार्ड है। इनसे बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालने इस हालत में? हाँ जी। नहीं, क्या आप बारात छोड़ के आए? नहीं, बारात जानी है अभी, तो बराती है सारे गए हैं वोट डालने। मैंने उनको सबको पहले कहा जाके वोट डालें, पीटीआई का वोट है हमारा, तो पहले वोट डालेंगे फिर हम बारात लेने। नहीं, इतना ज़रूरी था वोट डालना अपनी शादी से भी ज़्यादा? बिल्कुल, मेरी वोट की वजह से आगे दो शादियां रुकी हुई हैं, वापस आई हैं बारात। अच्छा, दो शादियां, लड़की एक ही थी कि लड़कियां भी दो? नहीं, लहदा लहदा, एक नून लीग की थी और एक बिलावल भुट्टो खुसरे की थी। अच्छा, तो वो शादी उसी से करनी है जो पीटीआई को वोट? पीटीआई को वोट दे, और जो अब है उसको भी, वो भी वोट डालने गई है दुल्हन मेरी। मैंने उसको कहा पहले वोट डाल गया, वो भी पीटीआई को, मुझे प्रूफ चाहिए फिर मैं आऊँगा बारात। अच्छा, दूल्हा जो है वो भी वोट डाल रहा है, दुल्हन भी ऐसी तैयार होके गई? बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपनी पिक्स भेजी है मुझे, अब मोबाइल मेरा घर है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अच्छा, तो अगर वो वोट ना डाले पीटीआई को तो बस फिर मुझे सबूत नहीं देगी, तो मैं फिर नहीं जाऊँगा बारात लेके। आपने वोट डाल दिया है? नहीं, जा रहा हूँ बस, अभी इधर आ गया, अभी डालना है। तो बराती ये भी सारे भी बिखेर दिए, शादी का क्या हल कर दिया? पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने कभी किसी का किधर बना दिया, किसी का किधर बना दिया, सारे बिखर गए हैं, बस वोट डाल रहे हैं आगे, बहुत लेट हो गया। तो आपको नहीं पता था आज इलेक्शन का दिन है और आपने अपनी शादी बारात की डेट ही उस दिन रख ली? ये अब घर वालों ने रख दिया, मैंने कहा चलो, मुझे नहीं था पता इलेक्शन होने, अब हुकूमत भी तो कभी 15 फरवरी कभी 8 फरवरी, तो बस इलेक्शन अब देख लें कि एक आपको लगता है कि आपकी जो इतनी वैल्यू है वोट की कि आप इस हालत में भी जो है वो वोट? इंसान की वोट की एक वैल्यू है, बिल्कुल हर बंदे को वोट डालना चाहिए, बेशक इमरान खान को नहीं, किसी का ना किसी को डालना चाहिए, बाकी हम। आप देखें कि एक इंसान, एक बंदे के वोट की इतनी वैल्यू है कि वो दूल्हा बनकर भी वोट डाले। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा एक बंदे की इतनी वैल्यू है वोट की कि वो दूल्हा बनकर भी वोट डालने आए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है वो, उनका एक जो है ना दिली, हम जो है ना एक हमदर्दी भी है और एक दिल से लगाव है इमरान खान के साथ, इस वजह से। अच्छा, आप भी, आपने भी वोट पीटीआई को डाला है? मैंने बिल्कुल डाला वोट पीटीआई। सर, आपने भी पीटीआई? इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या खास बात है पीटीआई? मैम, इमरान खान जो है ना वो एक विजन का नाम है, उसने शोर दिया कौम को, नेशन को। तो आपको पता है जो हक जो जो बंदा होते हैं उसको भी पाकिस्तान में जो निज़ाम सिस्टम चल रहे हैं, इसलिए हमने तो इमरान खान के साथ हैं क्योंकि वो बंदा हक के साथ हैं। आपको लगता है वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनको तो नाहल कर दिया? इंशाल्लाह मैम आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक सोच का नाम है और सोच को आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम जुल्म हो रहा था जो मुल्क में, उसका बदला जो है ना वो वोट से चुकाया जाएगा। और अगर 65% यूथ निकल आई ना तो जो बैलेट बॉक्स है ना वो कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आवाम के जोश जज्बे से साफ नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो आगे आ सकती है, लेकिन नून लीग वाले भी पीछे नहीं है, किसी भी उनकी भी कोई कसर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, मुकाबला काफ़ी सख्त है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो ज़्यादा वोट लेगा वही जीतेगा, और जो बाद में कुछ मनूवरिंग होगी वो होती है, वो पाकिस्तान में हमेशा होती है, और करने वाले भी जानते हैं और करवाने वाले भी जानते हैं। सर, इनके लिए क्या कहेंगे, दूल्हा बनके अपनी शादी बारात छोड़ के ये यहाँ पे वोट कास्ट करने आए? इनको सलूट है जी, इनको सलूट है कि ये माशाल्लाह आप नए सफ़र का आगाज़ करें आज, और कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। आप मुझे भी जाने दें, मैं लेट हो रहा हूँ। लेट हो रहे हैं, आपने वोट कास्ट करके आप बारात पे करना है, फिर घर जाना है, अभी सारे बरातियों ने इकट्ठे होना है, फिर बारात लेके जाना। तो क्या टाइमिंग थी बारात? 12 बजे जाना था, अब लेट उठे तो बात तो बहुत लेट हो गया है वाकई। तो अगर उधर वोट कास्ट करने के वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, देर हो गई तो शादी ना रह जाए? नहीं नहीं, शादी नहीं रहती, वो रात को, शादियाँ वैसे भी रात को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा इसलिए चलो वोट भी डाल लें और शादी भी रात में आ जाएगी। क्या खास बात है इमरान आप अपनी शादी के दिन? इमरान खान हमारी दिलो जान है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये तो चोर हैं,
ये फ्लैक्से लगा लिए, कर लिया वो कर लिया, तो इनका क्या मतलब है कि ये बाहर से कर्जा लेके हमारे पे कर्जा इतना चढ़ाया इन्होंने। इमरान खान आया, उसने कर्जा उतारा इतना, बस अब मुझे जाने। नहीं, आपने अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ, कोई छीन के ले गया तो? नहीं, छीन के ले गया मेरे हाथों से आईडी कार्ड छीन लेगा इमरान खान का? ओके, मुझे यही जज्बा जो है वो आवाम में जारी है कि आवाम जो है वो वोट कास्ट करने इस बार निकली, और इस बार जो है वो ख्वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो वोट कास्ट करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा स्मरा शकील। अच्छा, आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, नहीं अभी मैं डालने जा रही हूँ। अच्छा, किसको डाल दें? इमरान खान को। इमरान खान, इन्होंने अपने हाथ पे लिखा भी हुआ है मेहंदी के साथ। पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, बहुत जोश और जज्बा है आवाम में पीटीआई को लेकर, क्या खास बात है? बस यह कहना वधू वैया कहना स्थिन, बस यही मेरी सिस्टर। आपको लगता है वो बाहर अब आ जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आए, आवाम लेके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आपने किसको वोट डाला? पीटीआई। पीटीआई को आपने भी मेहंदी लिखी हुई है? नहीं मेहंदी नहीं डाला है यहाँ। सर आपने किसको वोट डाला? हमने पीटीआई को डाल दिया है। तक सारे लोग ही पीटीआई को वोट ये डाल रहे हैं। कुछ बातें उसकी अच्छी है क्योंकि उसने हमारे नबी के बारे में बात की है, इसने काफिर भी और नबी के बारे में बात की, हमारी जान भी हाजिर है उसके लिए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अवाम में जो वोट डालने का जज्बा है वो कितना ज़्यादा है, और सारे जो हैं वो ज़्यादातर पीटीआई के ही सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाते, फैसला नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आप भी वोट डालें, घरों से निकलें, क्योंकि वोट डालना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ैकराना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।